Hi friends, welcome to Tally Digital class. फिर से एक और बार मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल Tally Digital class में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली ERP 9 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे इनेबल करने वाले हैं. तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. मैं अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ. तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पर टैली ERP 9 खोल लेना है और F11 में पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक सेल्स किया हुआ है. ये सेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. दो पार्टी को मैंने यहाँ पर सेल किया था. इनेबल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इनेबल करने के लिए यहाँ पर F11 फीचर्स और अकाउंटिंग फीचर्स पर यहाँ पर क्लिक करना है. तो आपको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूज डेबिट और क्रेडिट नोट. इसको यस कर लेना है. आपको इसे यस कर दीजिए, नीचे भी यस और इसे भी. आपको तीनों ऑप्शन को यस कर दीजिए और एंटर देकर हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं. जब किसी भी पार्टी हमें माल रिटर्न करती है, कोई भी पार्टी हमें माल रिटर्न करती है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं. तो मैं अकाउंटिंग वाउचर्स और अल्टर कंट्रोल एड में यहाँ पर ये आपको कंट्रोल एड दिख रहा होगा. क्रेडिट नोट करके आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर कंट्रोल एड आप दबा कर क्रेडिट नोट पर जा सकते हैं. तो मैं ये खोल लेता हूँ क्रेडिट नोट. ये क्रेडिट नोट हमारी यहाँ पर खुल चुकी है. मैं पहले दो पार्टियों को माल बेच चुका हूँ. उनमें से कुछ पार्टी ने कुछ माल हमें रिटर्न करती है तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है. तो सर, ये हमारी एक पार्टी को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आदिल इंटरनेशनल सेल वाउचर ट्राउज़र. इस पार्टी ने हमें कितना माल दिया था, रिटर्न किया है, उतनी पीस हमें यहाँ पर लिखना है और एंटर. ये एक और माल, दो और इन नंबर के माल आए थे हमारे पास रिटर्न, तो उसको एंटर करके हमें यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं. एक और हमारी एक और पार्टी थी जो हमारी अकरम सिलेक्शन करके हमारी एक पार्टी थी, उसने भी हमें माल रिटर्न किया था. तो उसको भी हम ट्राउज़र्स में ये जो भी आपका माल रिटर्न हुआ हो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं. ये इतने इतने पीस हमें यहाँ पर रिटर्न आए थे और मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ. ये हमारी एंट्री यहाँ पर सेव हो चुकी है. दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. डेबिट नोट मतलब किसी पार्टी को हमने किसी पार्टी से परचेस की और कुछ डैमेज हुआ माल, उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट में हमारी कुछ भूल हो गई वगैरह, जिस वजह से हमने पार्टी को माल रिटर्न भेजना होता है, तो उसमें सामने वाली पार्टी को हम बिल देंगे जो माल हमें रिटर्न करना है. उस बिल का जो बिल हम बनाएंगे उसको हम डेबिट नोट कहते हैं. और हमने जो माल सेल किया था अगर वही पार्टी हमें रिटर्न दे दिए तो हम उसके एंट्री क्रेडिट नोट में करेंगे. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ. अगर आपको टैली के रिलेटेड मैं वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन पर ऊपर दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा. तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वो भी जान सके नई नई वीडियो के बारे में और कुछ सीख सके.
हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली।